सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज की स्कॉलरशिप भाई बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है। अब स्कॉलरशिप मुझसे निकल गया, थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे भाई इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। तो जी हाँ, पहले वीडियो लाइक कर दो यार, सबसे पहले न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ ये। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई HP इंडिया और ओमेन, ठीक है, जो गेमिंग हब आपको पता ही होगा, आगे बता रहा हूँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्राइज पूल या फिर स्कॉलरशिप बोलोगे, देख लो, HP इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू ई स्पोर्ट स्कॉलरशिप फॉर द कंट्री कॉल्ड द ई स्पोर्ट गोल्ड क्वेस्ट। द स्कॉलरशिप वॉज अनाउंस्ड एट द ओमेन फेस्ट फैन फेस्ट 2020 इवेंट। द कंपनी सेज दैट द स्कॉलरशिप aims to provide gamers with the necessary financial support, equipment, skill and experience help player in their quest to complete the global, ठीक है। और basically नीचे लिखा क्या है कि 12 लाख रुपए की scholarship है, उसमें जो है 50,000 रुपए की जो monthly salary होगी। जी हाँ, सही सुना, 12 लाख रुपए की है। अब आगे और बता देता हूँ, highest क्या है, fully जो है ना हर एक player को ई स्पोर्ट किट दी जाएगी, सैलरी होगी, एक्सपर्ट मेंटोर होंगे और उनके मतलब स्पोर्ट जितने भी प्लेयर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई पीसी गेमर है तो उसको पूरा पीसी एक बिल्ड करा के दिया जाएगा, ठीक है, और मोबाइल गेमिंग है तो उसको एक गेमिंग मोबाइल दिया जाएगा और ई स्पोर्ट किट उसका सारा खर्चा उठाया जाएगा, उसका ट्रैवल व्रैवल सब चीज़ का खर्चा उठाया जाएगा। और इसमें आगे ये भी बताया गया है, ठीक है, के फर्स्ट ईयर ही है जो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना 3 ही कंटेस्टेंट को लिया जाएगा और ये अभी 2021 से स्टार्ट होगा। ऑल्सो इन्होंने कहा है कि जो इंडिया के सबसे पहले ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, श्री मैथ्यू, ठीक है, और इन्होंने फैन फेस्ट जो है यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएगा, आगे मैं बता भी रहा हूँ उसके बारे में। तो वो भाई जाने माने सारे नेम्स जो है ना उसमें आने वाले हैं और इसकी कंप्लीट डिटेल भी आगे पता बता दूंगा मैं। तो YouTube पे अगर सर्च करोगे तो आप HP इंडिया ने ये HP इंडिया के चैनल पे आया था ओमेन फेस्ट फेस्ट, तो ये करीब 2.5 घंटे का था। तो इसमें से मैंने कुछ पॉइंट जो है एक्सप्लेन करे हैं, चाहो तो आप पूरा देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लेंदी है इस वजह से। उसके अलावा जो है भाई ये बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज़ में, आपको करना क्या है, एक ई स्पोर्ट्स अभी ले लो, कोई भी बढ़िया सा गेम ले लो, चाहे आप PC गेमर हो चाहे कोई से भी गेमर हो, उसको अच्छे से खेलो। अब रजिस्ट्रेशन का जब आएगा तो रजिस्ट्रेशन करना, आप उसके लिए अपना ट्रायल देना ओमेन, वैसे सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता बता दे रहा हूँ, ये गूगल गेमिंग क्लब के बारे में तो पता चल ही गया होगा। प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हो 50,000K प्लस इसके डाउनलोड से। अब इससे रिलेटेड गेमिंग प्रो ओशन जो भाई कास्टर पर जो माइक, उन्होंने क्या कहा सुन लो। और उसके बाद डबल डिजिट्स के अंदर भी जाएंगे, मतलब सीधा जो अगला फेज होगा उसमें डबल डिजिट तक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। सो दैट नंबर विल बी डिसाइडेड इन द फ्यूचर। इसमें आपको तीन चीजें दी जाएंगी, हार्डवेयर, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। सो हार्डवेयर के अंदर अगर कोई PC गेमर है उसको PC बिल्ड करवा करके दिया जाएगा, अगर कोई मोबाइल गेमर है उसको मोबाइल फोन दिया जाएगा, नॉट कोई मिड रेंज मोबाइल फोन करके दिया जाएगा, नॉट कोई मिड रेंज PC दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पीसेस, बिकॉज मुझे भी एज पर से यू नो दिखाए गए हैं क्या चीजें हैं क्या नहीं, अगर भी दिक्कत तो कंप्यूटर के बाद ही सब कुछ होगा, राइट, बट इट इज अ वेरी 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 लाइक गुड स्पेक स्टफ मोबाइल या PC दोनों के अंदर। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपका अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आपके पढ़ाई के खर्चे से लेकर आपके आने जाने का, मान लीजिए आपका टूर्नामेंट होता है वहाँ का ट्रैवल का आपका सारा खर्चा उठाया जाएगा, आपके रहने का खर्चा वहाँ पर जो रहता है उस तरीके से उठाया जाएगा, अगर कुछ होता है तो आपका एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर आपका यू नो ट्रेनिंग से लेकर जाता है वो सब उठाया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग भी करी जाएगी। क्योंकि आप गुड टीम, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी गेम चूज करी है, उसमें आपकी पर्सनल ट्रेनिंग से लेकर आपका मेंटल असिस्टेंस वहाँ से लेकर आपको पूरी कोचिंग हर चीज किया जाएगा, जस्ट सो दैट विद रिगार्ड टू आप यू नो बहुत अच्छा एट दी एंड परफॉर्म कर सके। शुरुआत में एक साल तक रहेगा ये, फरवरी 2021 से स्टार्ट होता है और वुमन की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, fanfest.com पर था वुमन बाय HP, उस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आप अपने नाम फरवरी 2021 से नॉमिनेट करवाना वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। जो प्रोसेस रहेगी जो सब कुछ रहेगा, लाइक पास एक्सपीरियंस हर एक चीज पे पूरा फॉर्म रहेगा, वो फरवरी 2021 से शुरू होगा। सो पूरी चीज आपको वहाँ पर मिल जाएगी एज पर से, और क्या बोलते हैं हम लोग आपको गाइड करेंगे जैसे कि सिंगल गाइडिंग के थ्रू की जितनी बात क्या रहता है कैसे रहता है, उस कमेटी के अंदर एक मेंबर रहने वाला हूँ। क्या होगा आप लोगों को कि इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने दे दी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना प्लीज़, और इसे शेयर करो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी सारे अपडेट्स आएंगे, क्योंकि कि ये 2021 में निकलने वाला, तो इसके रजिस्ट्रेशन, इसके लिंक सब कुछ मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा इस चैनल पर। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।